फेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी, एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। और ईद आ रही है और हम चांद जैसे न लगे, दैट इज़ नॉट फेयर। ये तो होना ही नहीं है अजय, सॉरी फॉर माई पंजाबी। तो जी, एक आज ईद स्पेशल फेस पैक लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि गर्मियों के लिए खास तो बेस्ट है ही है। और इसके साथ आपको ये ग्लो भी देगा, आपकी जो पिगमेंटेशन है जो कि ब्लैक धब्बे स्किन पर आ जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं या एक्नी है इवन के, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत माइल्ड सा, सॉफ्ट सा है कि आपकी स्किन को शाइनी देगा। और वैसे भी आई नो कि गर्मियों में तो वैसे ही आपका मुंह जो है वो चमचम कर रहा होता है बिकॉज ऑफ ऑयल, कि बहुत से लोगों के फेस पे ऑयल आ जाता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्लो। ऑयल को ये मास्क एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा आ जाता है, और आपको इंटरनल ग्लो देगा, आपकी स्किन इटसेल्फ शाइन करेगी, बल्कि हाइलाइटर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको ईद पे। फाउंडेशन लगानी है सिंपल सी, ना कोई प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी लोशन की जरूरत पड़ेगी, कोई मॉइस्चराइज नहीं करना, सिंपल फाउंडेशन लगानी है और आपने मेकअप करके बिल्कुल रेडी हो जाना है। और ईद पे जितनी गर्मी है तो उसके लिए तो बेहतर यही है कि आप अभी से ही मास्क ट्राई करना स्टार्ट कर दें। ये हो गया, ईद तक आपकी स्किन बहुत अच्छी परफेक्ट प्रेप हो जाएगी, और अगर आप मेकअप नहीं भी करेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जी, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं मास्क की तरफ। अच्छा जी, इस फेस पैक के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए, जिसमें है योगर्ट, दही, साथ है ग्राइंडेड शुगर 1 टेबल स्पून, दही भी 1 टेबल स्पून, और ये है टमाटो पल्प। आप इसकी जगह टमाटो जूस भी ले सकते हैं, यानी कि टमाटर का पल्प है वो भी 1 टेबल स्पून, और साथ है शहद वो भी हम 1 टेबल स्पून ही लेंगे। तो जी, इसको मिक्सिंग कर लेते हैं, ये दही, साथ ये ग्राइंडेड शुगर, ये टमाटो पल्प, और ये है जी हनी। तो अब इन सारों को मिक्स कर लेते हैं। तो जी, मास्क रेडी हो गया है और ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, और अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो जी, मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और अब इसको मैं अच्छे तरीके से ना इसको हमने अपनी स्किन पे एक तरह से इसका मसाज करना है। तो बेहतर है कि आप ब्रश यूज़ ना करें, क्योंकि ब्रश ये होता है कि वो ना एब्जॉर्ब नहीं होता अच्छे तरीके से स्किन पे, जितना आपके हाथ जो है आपकी स्किन पे अच्छे तरीके चलते हैं। और इसके अलावा गर्मियाँ आ गई हैं, और हम मोस्ट ऑफ अस एक बहुत इशू होता है स्वेटिंग का, कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है हमसे, कि चाहे हम डेली भी नहाएं तो वो स्मेल जाती नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो कि मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ, वो आपने यूज़ करनी है और आप बिल्कुल स्वेट स्मेल को भूल जाएंगे। तो जी, मैंने मास्क सारा अप्लाई कर लिया है ओवरऑल, और अब ये ड्राई हो जाता है, इसको मैं तकरीबन 15 मिनट्स दूंगी, ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आपके पास आती हूँ, ये बचा हुआ मास्क सारा मैं घर वालों को लगा लूँ। इसको 15 मिनट्स हो गए हैं और ये सारा ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया, तो अब इसको वॉश कर लेते हैं। क्या करूँगी कि ये हाथ में पानी लेना, डैम्प किया हाथ, और अच्छे तरीके से इसको ऐसे रब करते हुए रिमूव कर लेते हैं। तो जी, मास्क मैंने बिल्कुल वॉश कर लिया है, और इस तरह से मेरी ये स्किन है ये पिंकिश और ग्लोइंग सी हो गई है। आपने लाजमी नेक वाला एरिया और हैंड वाला एरिया मिस नहीं करना, अपने पाँवों पे, हाथों पे, नेक पे, फेस पे, ताकि पूरी आपकी बॉडी इवन टोन लगे। और जी, नेक्स्ट हम लगाते हैं कुकम्बर जूस। ये खीरे का जूस है, उसके मैंने इस तरह से आइस क्यूब्स बना लिए हैं, अब इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ कुकम्बर जूस है जिसको मैंने एक कुकम्बर का जूस निकाल के उसको मैंने फ्रीज कर लिया था, और क्यूब से मैं ठंडा ठंडा अपने फेस के ऊपर इसका मसाज कर लूँगी। इट्स गोना बी अ बिट मेसी, तो आप ये वॉशरूम में कर सकते हैं। व्हाट इन स्पेशली अंडर आई एरिया पे ना, ये कुकम्बर जूस खाने से बहुत ज़्यादा आपके जो डार्क सर्कल्स है ना, जो हमने सही तक जाग जाके आ गए हैं, उनको क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। मुझे इतना रिफ्रेशिंग सा फील आ रहा है ना कि मेरी आंखें सच्ची बंद हो रही हैं, इतना मुझे मज़ा आ रहा है ठंडे ठंडे। तो जी, कुकम्बर जूस मैंने अप्लाई कर लिया है, और अगर इसको वॉश ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ड्राई हो जाएगा, और जब आप रात को सोने लगे तो आप उसको वॉश कर लें। लेकिन मैं इसको बस 10 मिनट का टाइम दूंगी, इसको वॉश कर लेते हैं। और टिप ऑफ द डे अभी बाकी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्वेटिंग से रिलेटेड है, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, मैंने कुकम्बर जूस जो है वो वॉश कर लिया है, फेस में ड्राई कर लेती हूँ, और ये देखिएगा फाइनल है ये, मेरी स्किन सीम्स सो रिफ्रेशिंग। इट्स बीन जस्ट 2 डेज कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये वाला मास्क, और 3rd डे पे आई फील अ ग्रेट डिफरेंस। तो मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल, और ईद आने वाली है तो ज़बरदस्त अभी हमने प्यारा लगना है, हमने चांद लगना है, दैट शुड बी द मोटिवेशन।
अच्छा जी, उसके बाद जब आपने वो कुकम्बर जूस वॉश कर लिया, उसके बाद अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे कर लें। और हाँ, अगर आपको टमाटर से एलर्जिक है या नहीं अच्छा लगता तो उसमें आप बीटरूट भी डाल सकते हैं। इतना सा बीटरूट का टुकड़ा, उसका जूस आप उसमें डालें, बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि बीटरूट तो इज़ ए नेचुरल टेंट। अच्छा जी, तो अब बारी आती है टिप ऑफ द डे की, जो कि समर्स गर्मियाँ आ गई हैं उसके लिए तो बेहद यूज़फुल है। कि जैसे आपको स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों की बहुत ही स्पेसिफिक स्वेट स्मेल होती है कि ऑड लगती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फिटकरी पाउडर मिलते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, आपको बहुत इजीली और बहुत चीप रेट में मिल जाएगा। और आपके पास इस तरह की अड़के गुलाब की बॉटल तो होगी, ठीक है, स्प्रे बॉटल है। इसमें आपने इतना अड़के गुलाब, हाफ ऑफ द अड़के गुलाब ले लेना है, और उसके ऊपर एक टेबल स्पून आपने फिटकरी पाउडर डाल देना है, और उसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है। या आपका स्प्रे तैयार हो गया। और फॉर योर ऑप्शन, अगर आपको कोई सेंट या कोई परफ्यूम पसंद है तो उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप्स उस पर डाल लें, ताकि आपको उसकी स्मेल ना फील हो। तो वो जब आपने नहा लेना है, शावर ले लेना है, आफ्टर टेकिंग शावर आपने वो अपने अंडरआर्म्स में, लेग्स में, जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि आपकी स्वेट स्मेल बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपने वो स्प्रे कर लेना है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम स्वेटिंग तो होगी लेकिन स्मेल नहीं होगी। ये समर्स के लिहाज से बहुत ही यूज़फुल टिप है और बहुत ही आजमूदा टिप है। तो जी, मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। होपफुली इंशाल्लाह ये मास्क आपके बहुत काम आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा इफ़ दिस वर्क फॉर यू और नॉट। और अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो जी, मैं आती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बाय।